दोस्तों नीदरलैंड के टीम को हराने के लिए भारतीय हेड कोच राहुल द्रविड़ ने गुस्से में आकर बदल दी पूरी भारतीय टीम और घोषित किया भारतीय टीम के लिए नया प्लेइंग 11। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे भारतीय टीम इस वर्ल्ड कप 2023 में एक भी मुकाबला नहीं हारा है। लेकिन दोस्तों फिर भी राहुल द्रविड़ ने अपने बयान में साफ साफ कह दिया, नीदरलैंड के टीम को हम बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते हैं और नीदरलैंड के टीम साउथ अफ्रीका जैसे बड़े टीम को बड़ी आसानी से हरा चुकी है और इसी वजह से राहुल द्रविड़ ने पिछले मैचों के प्लेइंग 11 के खिलाड़ियों को कर दिया है बाहर और ऐसे ऐसे खतरनाक खिलाड़ियों को शामिल किया है जिसे देखकर नीदरलैंड की टीम थरथर कांपने लग चुकी है। तो चलिए दोस्तों, राहुल द्रविड़ ने किन खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाया है और आखिरकार किस खूंखार शेर को प्लेइंग 11 में शामिल किया है। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपके एक सब्सक्राइब से हमें ज्यादा मोटिवेट मिलता है। दोस्तों भारत और नीदरलैंड टीम के बीच में वर्ल्ड कप 2023 का 45वां महामुकाबला चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु के मैदान पर खेला जाएगा, जबकि इसका टॉस 1:30 बजे फेंक दिया जाएगा। तो दोस्तों जान लेते हैं भारतीय टीम के मजबूत प्लेइंग 11 के बारे में। दोस्तों भारत और नीदरलैंड टीम के बीच में अब तक 2 मुकाबला खेला गया है, लेकिन दोस्तों दोनों मैचों में ही भारतीय टीम को शानदार जीत मिली है। वैसे तो भारतीय टीम नीदरलैंड टीम से बहुत आगे है, लेकिन दोस्तों क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल है, इसमें क्या हो जाएगा कुछ नहीं कह सकते। इसी के कारण भारतीय हेड कोच राहुल द्रविड़ ने भारतीय टीम में कर दिया 4 खतरनाक शेरों की वापसी। दोस्तों इस मुकाबले में फिर से आपको ओपनिंग जोड़ी में कप्तान रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल दिखेंगे, जबकि ये दोनों बल्लेबाज अब तक ज्यादा फॉर्म में दिखे हैं। दोस्तों पिछले मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल ताबड़तोड़ पारी खेली थी और वही श्रीलंका के खिलाफ शुभमन गिल 8 रन के चलते अपने शतक को मिस कर दिया और वही किंग कोहली भारतीय टीम के लिए 3रे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए दिखेंगे। विराट कोहली ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ शानदार शतक जड़ दिया था, जबकि 4थे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए दिखेंगे सैयद और वही नंबर 5 में विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल बल्लेबाजी करते हुए दिखेंगे। जबकि दोस्तों केएल राहुल पिछले मैचों से अच्छे प्रदर्शन से नहीं दिखा और वही 6थे नंबर पर सूर्य दादा बल्लेबाजी करते हुए दिखेंगे, क्योंकि दोस्तों सूर्य कुमार यादव पिछले मैचों से फॉर्म पर नहीं दिखे हैं। लेकिन दोस्तों नीदरलैंड के खिलाफ 100% बल्लेबाजी करते हुए दिखेंगे और वही 7वां नंबर पर सर जडेजा बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों यही होने वाला है नीदरलैंड के खिलाफ भारतीय टीम की आखिरी प्लेइंग 11।